हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इनशॉट वीडियो एडिटर में कुछ इस तरह की ट्रेंडिंग रील वीडियो बना सकते हो। और इस तरह का वीडियो सिर्फ कैपकट में ही बनता है, लेकिन आज मैं आपको इस तरह की रील वीडियो एडिटिंग इनशॉट ऐप में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, काफी ज्यादा इजी होने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं इनशॉट ऐप में। तो सबसे पहले आपको अपना इनशॉट ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास इनशॉट ऐप नहीं है देन इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पे वीडियो को एडिट करने वाले हैं। वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर आप क्लिक कर देना, फिर न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हो। जैसे कि मैं ये वाला वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर यहां पे डन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो यहां पे ऐड हो गया है। अब अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो बिल्कुल एक नॉर्मल सी वीडियो है, इसमें कोई भी इफेक्ट वगैरह एडेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रेंडिंग इफेक्ट अपने वीडियो के ऊपर ऐड करना सीखने वाले हैं। साथ ही में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे स्लो मोशन किया जाता है, क्योंकि अगर आप ट्रेंडिंग रील वीडियोज़ को देखो तो उसमें स्लो मोशन और साथ ही में ट्रेंडिंग इफेक्ट्स रहते हैं, तब जाके वीडियोज़ देखने में काफ़ी सही लगता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्लो मोशन सीख लेते हैं कैसे किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे ट्रेंडिंग इफेक्ट वीडियो ऊपर अप्लाई कर सकते। सो स्लो मोशन करने के लिए आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहां पे आपको स्क्रॉल करना है, स्पीड का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। देन आपको यहाँ पे कर्व का ऊपर आ जाना है, ठीक है, क्योंकि कर्व सही रहता है स्टैंडर्ड से। क्या होगा ना, अगर आप स्लो करोगे तो पूरा वीडियो स्लो हो जाएगा, अगर फास्ट करोगे तो पूरा वीडियो फास्ट हो जाएगा। लेकिन कर्व की मदद से आप किसी भी पॉइंट पे स्लो कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल रख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसका हम यूज़ करेंगे। सो कर्व में आपको आ जाना है। कर्व में आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे जैसे कि आप देख सकते हो ये सब, इनकी मदद से आप अपने वीडियो को स्लो कर सकते हो। लाइक अगर आप इन्हें नीचे कर दोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे आपकी वीडियो स्लो हो जा रही है उस पॉइंट पे। जैसे कि स्टार्टिंग में नॉर्मल चल रहा है, उसके बाद जैसे जैसे उस पॉइंट के पास आ रहे वीडियो स्लो हो जा रही। जी हाँ, इतना आसान है स्लो मोशन करना। बस अब आपको ये सारे जो पॉइंट है उन्हें अपने जहाँ पे आप स्लो करना चाहते हो वहाँ पे नीचे करना। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे स्लो करना चाहते हो अपने वीडियो को, तो यहाँ का पॉइंट को नीचे कर देना। एंड हाँ, आप मुझसे एक चीज़ पूछ सकते हो कि भाई जहाँ पे ये पॉइंट रहेगा नहीं वहाँ पे हम कैसे स्लो मोशन करेंगे। तो उसका भी सॉल्यूशन है। मान लो आपको यहाँ पे स्लो मोशन करना है बट यहाँ तो पॉइंट नहीं है, तो यहाँ करने के लिए ये जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना, पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब इसे पॉइंट को आप नीचे करोगे तो स्लो मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ आप स्लो करना चाहते हो वहाँ वहाँ का पॉइंट को पकड़ के नीचे कर देना है। लाइक मैं स्टार्टिंग में थोड़ा नॉर्मल रखना चाहता हूँ तो इसे नॉर्मल रहने देते हैं ऊपर में ही, फिर यहाँ पे हम इसे थोड़ा नीचे करते हैं तो स्टार्टिंग में नॉर्मल फिर स्लो होगा, फिर इसे ऊपर रखते हैं तो नॉर्मल ही रहेगा, फिर यहाँ पर नीचे करते हैं स्लो हो जाएगा, फिर इधर बीट ऐड कर लेते हैं इसकी मदद से एंड यहाँ नॉर्मल करके फिर स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ आपको जैसा स्लो मोशन बनाना हो। लाइक मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया है कि स्टार्टिंग में नॉर्मल चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्लो हो गया, फिर यहाँ पे नॉर्मल होगा, फिर स्लो होगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर स्लो होगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो आप भी अगर इस तरीके का बनाना चाहो देना बना सकते हो, या फिर आपको जैसा स्लो मोशन बनाने का मन हो उस तरीके से जस्ट आप यहाँ पे ये जो ग्राफ है इन्हें एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्मूथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर ज़रूर से आपको क्लिक करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे ना तो आपका स्लो मोशन अच्छे से नहीं बनेगा, वो अटकने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको ज़रूर से सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि आपका जो स्लो मोशन उसे स्मूथ कर सके। ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो तुरंत ही यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जा रहा है, और ये प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ ना तो आपकी वीडियो अटकने लगेगी, इसलिए ये किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्लो मोशन का काम हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल वीडियो चल रही है, उसके बाद यहाँ पे हमारी वीडियो स्लो हो गई, फिर थोड़ी सी नॉर्मल होगा, फिर स्लो होगा, जैसे कि हमने बनाया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्लो मोशन कर सकते हो। नाउ अब अगर आप इसमें ट्रेंडिंग इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हो देन आपको यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा,
इसके ऊपर आपको क्लिक करना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे देन आपको दो इफेक्ट ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि एक इफेक्ट नॉर्मल और एक एआई इफेक्ट मिलेगा। तो इन दोनों की मदद से आप इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। तो फर्स्टली हम यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे देन इसमें आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे जूम इन मिलेगा, जूम आउट इस टाइप का। देन उसके बाद और स्क्रॉल आप करो तो ग्लिच इफेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और स्क्रॉल करोगे तो अब आपको यहाँ पे काफ़ी कमाल कमाल के इफेक्ट मिलेंगे। और ये जो इफेक्ट्स है ना, ये सारे इफेक्ट न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आपको अपना इंसो टाइप को अपडेट कर लेना है, अगर आपका अपडेटेड पहले से नहीं है तब। अपडेटेड है तो ये सारे इफेक्ट आ ही गए होंगे। सो यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इनमें से ये जो फ्लिकर वाला इफेक्ट है ना, वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा भी होगा इस टाइप का इफेक्ट बहुत सारे रील वीडियोस में है, और कैपकट में भी ये वाला इफेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड डन कर लेते हैं। तो ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया, बट इसे हम स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो ब्लर वाला इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसे हम यहाँ से स्क्रॉल करके कुछ इस तरीके से थोड़ा आगे में इसे रख देते, ठीक है। मतलब जहां आप अप्लाई करना चाहते हो वहां पे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ओके। जैसे कि हमने यहां पे इसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसका आप ड्यूरेशन भी इस तरीके से कम ज्यादा कर पाओगे, ओके। नाउ फिर से अगर हम इफेक्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको और भी इफेक्ट्स मिलेंगे, और भी काफी सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो इधर शेक इफेक्ट, ठीक है। ये वाला भी काफ़ी ट्रेंड पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियोज़ में, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इनमें से कोई अगर आपको यूज़फुल लगे या फिर अपने वीडियो के ऊपर आप अप्लाई करना चाहो तो डेफिनेटली आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। सो इनमें से मुझे सिर्फ वो वाला काफ़ी सही लग रहा था तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। एंड इसमें ना कुछ नए वाले इफेक्ट आए हैं जो कि किसी भी ऐप में नहीं है। अगर आप कैपकट को भी देखोगे तो उसमें भी कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। इतना रियलिस्टिक टाइप का यहाँ पे भी लग रहा है कि हाँ सच में रेन हो रहा है, मतलब बारिश हो रहा है। यहाँ पे रेन ड्रॉप इफेक्ट देखने को मिल जाए कुछ इस तरीके का, स्नो वगैरह, ठीक है। तो अगर आप ये सब ऐड करना चाहते हो देन आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ न्यू इफेक्ट भी आपको यहाँ मिलते हैं, साथ ही में आपको HDR भी देखने को मिल जाता है। HDR से बेसिकली आप देख पा रहे हो क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है हमारी वीडियो की, लाइक आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। बट हमारी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी सही है तो मैं इसे नहीं रख रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट मिलते हैं, इनमें से जो आप अप्लाई करना चाहो उसे आप कर सकते हो। फिलहाल हम इसे डन कर लेते हैं। सो इस इफेक्ट वाले ऑप्शन में हमें काफ़ी सारे शेक इफेक्ट, फ्लैश इफेक्ट एंड फ्लिकर इफेक्ट वगैरह हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप ये सब इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक ये वाला ट्रेंडिंग इफेक्ट को ऐड कर लिया। बाकी आपको ये AI इफेक्ट में और भी काफ़ी सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो लाइंस वाला इफेक्ट होता है या फिर ये इस टाइप का फायर वगैरह वाला, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में जो क्लोन वाले इफेक्ट होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सब आपने देखा होगा कैपकट ऐप में होता है, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहो देन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी इस टाइप के इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ट्रेंड में है, जैसे कि इस टाइप का, फिर ये सारे इफेक्ट भी, ठीक है। देखा होगा आपने कैपकट में काफ़ी सारे हैं, और इंस्टाग्राम के रील में भी आपने इस टाइप के इफेक्ट देखे होंगे। तो इनमें से जो आपको पसंद आता है उसे सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक ये वाला भी काफ़ी ट्रेंड में है तो मैं इसी को रख लेता हूँ, ठीक है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये वाला हमने अप्लाई किया है तो डन कर लेते हैं। फिर इसका जगह रख लेते हैं सही से, लाइक इसे मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ड्यूरेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ओके। सो AI इफेक्ट में आपको काफ़ी सारे न्यू वाले एंड ट्रेंडिंग इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, इनमें से जो सही लगे उसे आप अप्लाई कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे वो जो ब्लर इफेक्ट है वो कैसे अप्लाई होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है, और इसमें काफ़ी सारे अमेजिंग अमेजिंग इफेक्ट भी हैं, जैसे कि आप ये बटरफ्लाई देख सकते हो। एक क्लिक में आपके वीडियो में बटरफ्लाई आ गया, जो कि ओरिजिनली नहीं था बट फिर भी ऐड हो गया। काफ़ी सही है ये सब इफेक्ट भी, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए ना आप आ जाओगे ये ब्लर वाले सेक्शन में, देन आपको यहाँ पे वो सारे इफेक्ट मिल जाएंगे जो हेलो ब्लर वगैरह था ना, हाँ वो सारे। लाइक यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल ब्लर मिलेगा, फिर थोड़ा आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे ग्लास वाला ब्लर मिलेगा, फिर सर्कल मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। अब इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि इंक्रीज करोगे तो सर्कल बढ़ जाएगा, डिक्रीज़ करोगे तो सर्कल कम हो जाएगा। तो इतना सही लग रहा है सो इतना रख लेते हैं।
ठीक है, आप देख पा रहे हो हमारे वीडियो के ऊपर अप्लाई हो गया। बट आप बोलोगे भाई ये तो यार सिर्फ बैकग्राउंड में ऐड हुआ, फेस तो हमारा इसी तरीके से रह जा रहा है। तो हाँ, इनशॉट ऐप में इसी तरीके से रहता है, मतलब कि इनशॉट वाले ने क्या गलती किया, फेस को उन्होंने हाइड नहीं किया, वो कुछ थोड़े से यूनिक बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा बना दिए जो कि अगेन काफ़ी कमाल का लग रहा है, ऐसा नहीं कि खराब लग रहा है। तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता ही होगा कुछ भी नया चीज़ अगर हम इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं तो वो जल्दी ही वायरल होता है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, मे बी आपकी वीडियो वायरल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं जो आपको जो जो इफेक्ट मिलते हैं कैपकट में वो सारे मिल जा रहे हैं, लाइक ये हार्ट वाला भी रहता है, हेक्सागोनल, डायमंड, ये सब। तो इनमें से जो सही लगे अप्लाई कर लेना, मैं इसको रख लेता हूँ। फिर यहाँ पे और भी इफेक्ट है, इन्हें अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये सब इफेक्ट ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैंने ये सब इफेक्ट को हाईलाइट करके ज़्यादा टाइम तक आपको दिखाया और अप्लाई करके भी दिखाया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर डन कर लेना, देन जितना दूर रखना चाहो रख सकते हो। ओके, सो इस तरीके से करके आप यहाँ पे ट्रेंडिंग इफेक्ट्स को अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नाउ इसे हम यहाँ पे डन करें तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से एडिट हो गई है। अब वीडियो में ना आप कुछ सेक इफेक्ट वगैरह ट्रांजिशन की मदद से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्लर इफेक्ट खत्म हो रहा है और यहीं पे अगर ट्रांजिशन ऐड हो जाए एक तो काफ़ी सही लगेगा। तो यहाँ पे आप आना एंड अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना एंड स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ट्रांजिशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके ट्रेंडिंग सेक इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको ये सुपर वाले में मिल जाएगा इफेक्ट्स, लाइक कुछ इस तरीके का इफेक्ट। फिर यहाँ पर ये वाला जो ट्रेंड में है ये वाला इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ओके, ड्यूरेशन वगैरह भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, तो आप यहां से अप्लाई कर लेना जो आपको सही लगे। मुझे ये वाला काफ़ी सही लग रहा है और ये वाला ट्रेंड में भी है, तो इसी को रख लेता हूं, फिर डन करते। तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से हमारा जो वीडियो है वो एडिट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप यहां पे इनका इफेक्ट को यूज़ करके भी बिल्कुल सेम कैपकट के जैसा वीडियो को बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। साथ ही में आपको इसमें एनिमेशन भी मिल जाता है, जैसे कि हमें कैपकट ऐप में मिलता है उस तरीके से इसमें भी आपको एनिमेशन इफेक्ट मिल जाएंगे। लाइक मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम स्प्लिट करते हैं और इतना दूर तक स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। देन ये हमारे वीडियो रहा। अब इसमें एनिमेशन भी आपको मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना। फिर इनमें से जूम इन आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसा वाला। फिर यहाँ पर आपको शेक वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। और लूप में आप जाओगे तो कुछ इस तरीके का लूप वाले भी मिलेंगे, तो अप्लाई कर सकते हो आप इन्हें। मैं फिलहाल कुछ भी नहीं रखता हूँ, हैंड डन कर लेते हैं और हमारी वीडियो बन चुकी है ऑलमोस्ट, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम यहाँ पे वीडियो को बना सकते हैं, काफ़ी इजी है। ओके, नाउ वीडियो बन चुका है। अब अगर आप चाहो तो इसमें कोई अच्छा सा म्यूजिक ऐड कर सकते हो जिससे कि आपकी वीडियो काफ़ी सही लगे। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए भी म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करना, फिर उसके बाद म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर लेना। देन माई म्यूजिक में आके यहाँ से अपने लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी मीन्स आपके डिवाइस में जितने भी म्यूज़िक हैं वो सारे म्यूज़िक यहाँ आ जाएंगे। तो जो आप यूज़ करना चाहो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यूज़ के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो म्यूज़िक यहाँ ऐड हो गया। देन आपको डन कर देना है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। आई होप आपको सारा स्टेप पता चल चुका है। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए सेव के ऊपर आपको क्लिक करना, फिर यहाँ से क्वालिटी वगैरह को सेलेक्ट कर लेना, लाइक रेजोल्यूशन में अगर 4K सपोर्ट करता है तो इसे सेलेक्ट कर लेना, फ्रेम रेट को 60 एंड उसके बाद एक्सपोर्ट करना, तो अच्छे क्वालिटी में आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।